समीकरण बनेंगे तो समीकरण है, हल्का इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा हाँ, हल्का इलेक्शन लड़ेगा इस बार, न कि कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा ये, क्योंकि हम गांव 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 जा जाके और जब लोगों से बात करते हैं ना, लोगों को घना दर्द है, और जब वो दर्द सुने ना तो बाकी इनको जरूरत ना थी इलेक्शन लड़ने की, नेता बनने की, लेकिन हल्के का दर्द जब आया हर साइड का महसूस हुआ, दिल में ठेस पहुंची, तब फैसला लिया है। और हर गांव में जब भी जा रहे हैं, हर गांव में इसका ग्राफ बढ़ता 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 बहुत आगे बढ़ गया है। अर्जुन ये चलेगा इस एरिया में, सोनीपत में बस चला रखी, फिर दिल्ली था, बम्बे था, चला दे लड़कियों के लिए फ्री बस, मेहनती लड़का है, पक्की बात लो वर्गी। एक जुनून है इस लड़के में काम करने का, क्योंकि हमने पहले 5 साल तक प्रधान भी बना के देखा, बहुत ज्यादा काम करे इस लड़के ने, इतने काम कर दिए कि आज तक की भी सरपंच ने हमारे गांव में काम नहीं करे इतने, और अब सेवा भाव इतना है इसमें कि अब इसका पूरे हलके की सेवा करने का मन बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं अनिल खत्री इस समय राई हलके में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम। तो राम ना बेटा, राम राम। क्या नाम है तो? जय भगवान। कौन सा काम है? मकीनपुर। अच्छा, ये कहना चाहोगे जय भगवान अंतिल के बारे में? जय भगवान अटल के बारे में ये कहना चाहूंगा, जय भगवान अटल तो इतनी सेवा कर रहा है हमारे, मतलब हल्के में, पूरे राय हल्के में बहुत ज्यादा। चौहाना में विश्व विद्यालय थी गाड़ी की, जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले थे, अरे ये जमीनी थी, तीन तीन दफा गाड़ी बदली पढ़ाती बच्चा ने, और फिर इस पे घर गए थे, इसने मतलब सुविधा दे दी, सवारियाँ की, बस वसा की सारी सुविधा दे दी, और जो मच्छर मारे आड़े इतने हो रहे हैं, मच्छर की मशीन भी सारे का मामा मच्छर भी मरवा दिए, और चक्की चून पीसन की चक्की भी, धान काटने की मशीन भी, मतलब सब कुछ इतने काम करवा दिए, बहुत घने बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। सही बात है, जो है इन्हें मौका दोगे फिर इलेक्शन लड़ेगा? बिल्कुल मौका, जनता बिल्कुल मौका देगी, तो जनता मौका नहीं देगी, मतलब जितने काम कोई भी नहीं करता। पहला विधायक देख लिया अपना बना? हाँ हाँ देख लिया। अच्छा, मतलब इतना काम करवा रहा है, बहुत ज्यादा काम करवा रहा है, इसको जनता मौका देगी। राम राम। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। कौन सा गांव है? दीपालपुर जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी जय भगवान के बारे में? जय भगवान जी, एक जुनून है इस लड़के में काम करने का, क्योंकि हमने पहले 5 साल तक प्रधान भी बना के देखा, बहुत ज्यादा काम करे इस लड़के ने, इतने काम कर दिए कि आज तक की भी सरपंच ने हमारे गांव में काम नहीं करे इतने, और अब सेवा भाव इतना है इसमें कि अब इसका पूरे हल्के की सेवा करने का मन बना हुआ है। और बारे का प्रधान भी आप लोगों ने दोबारा बनाया इसको? हाँ जी, बारे का प्रधान भी बनाया हमने, और बारे का प्रधान का काम देखते हुए इसको आगे बढ़ाने की भी लोगों की इच्छा बनी हुई है। पहले तो दीपालपुर का जो सरपंच होया करता वो बारे का प्रधान होया करता? हाँ जी। फिर इसको दोबारा क्यों बनाया? हमारा गांव इस नगर निगम में चला गया था जी बीच में, निगम में जाने के बाद में इसको प्रधान बनाना मजबूरी बन गई, इसलिए बारा का गांव का प्रधान ही बनाया गया था। उम्मीद ले रहे हो आगे भी हल्के में जो काम करने लग रहा है? उम्मीद तो जी इसके काम बता रहे हैं, इसके काम जो दिखा रहे हैं, और 5 साल पीछे देख भी लिया, भरोसा भी बन गया लोगों को जो पीछे काम करे हैं, तो उनको देखते हुए इसका पूरी उम्मीद है कि आगे और ज्यादा काम करेगा लड़का। राम राम। तो राम राम। क्या नाम है जी? लक्ष्मी नारायण भाई। अच्छा, कौन सा काम है? दीपालपुर का। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहोगे भाई, हम तो ये समाज सेवा वो है, सरपंच को बना के देख बना दिया था हमने, ये बारे का प्रधान यो बना था, इसने बढ़िया काम करे, ये फिर इसने सलाह, इसने बीजेपी को काम करके नहीं दिखाया, ना एम ले गया कदे, ना एम पी गया आया गांव में, ना किसी दुख सुख बुझे, यो बेचारा सेवा मंड रहा है। तो जो ये बड़े बुजुर्ग है, बुढ़ा की बात कर रहे हैं, ये बुढ़े इतने इस पर जो क्यों करो रहे हैं? बुढ़े रहे हैं, बुढ़ा की वो खूब सेवा कर रहे हैं। अच्छा, और हर एक दुख सुख में साथी रहे। तेरा के करोगे हल्के में? हल्के में इसने यो वो बनाओगे एमएलए? एमएलए बनाओगे। पक्की बात? पक्की बात लो वर्गी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा धर्मचंद। अच्छा, कौन सा गांव? गांव मुकिमपुर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी? जय भगवान। ऐसा जी, जय भगवान।
पब्लिक की सेवा कर रहता है, जैसे भाईचारे का कोई से चौबीस में बारे में किसी का झगड़ा होता है गांव में, घर बैठ कर निमटवाता है, भाईचारा बनाकर रखता है, किसी किस्म का कोई ऐप नहीं, बीड़ी का ना सिगरेट ना ओके का ना दारू का, बिल्कुल पब्लिक की सेवा करता है। जैसे पीछे जाट आंदोलन चल रहा था, जाजल गांव का झगड़ा था, यूपी वाला ने जाजल गांव के 5-7 किले काट लिए थे वहां के जमुना में, और उनको ट्रैक्टर पैक्टर को तोड़ गए थे, तोड़ फेट मार गए थे, वे विधायक दौरे गए, मोहनलाल दौरे है, उसके बाद में उनका कोई काम नहीं होया। वे 4-5 गाड़ी लेकर देपाल पर गांव में आए, बारे के प्रधान देवगंज के पास हमारे गांव मुकीरपुर से बुलाए, मैं भी था देवगंज था, कई आदमी बुलाए, मतलब 20-25 आदमियों ने एस पी का ले गया, सरदार जी एस पी थे उस टाइम पे, डीसी के पास पूरी भीतर टीम बैठाई, मतलब पूरी फोर्स दिलाई, डिप्टी मजिस्ट्रेट लगवाया और जजलाड़े के कंपाउंड ले जाकर गेहूँ कटवाए। पब्लिक की सेवा करता है। जैसे कई गाँव के मारे मौके ऊपर के झगड़े थे वो निमटवाई से घर बैठ कर पब्लिक की सेवा करता है। जैसे मतलब कोई भी हो या किसी गरीब गुरब आ जाता है दुख में दर्द में, उनकी मदद करता है, हॉस्पिटल में हर एक तरीके की सब की मदद करता है। आपका क्या नाम है जी? जयपाल जी, गाँव पलटा ऊपर लाग रहे हो जी। जयपाल जिला जयपाल शरीफ लड़का है, मेहनत कर रहा है और वही गाँव गाँव में सारी सेवा दे रहा है। किसों का अंडे लंगड़े लुल्ले बच्चे हो हैं उनकी इलाज करा रहा है, और फरी कोई वो बिना लोभ के काम कर रहे हैं, वो सेवा भावना देख के, सेवा भावना देख के हर एक प्रकार की सेवा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह, गांव मुडोली। मुडोली अच्छा ना बताओ जी, आप भी गाँव में जानते हो गए जय भगवान के लिया के आवाज हलोगा जी भाई। ऐसा हमने यो बारे प्रधान में बनाया था, बचोरा ठीक से काम करने वाला है और हरेक जगह हाजिरी दे, मरे पे ब्याह शादी में सबके घर पे वो हाजिरी देता है। फिर यो चक्की का जो ये सिस्टम चला रखे है यो बिना लालच का है, बेचारे गरीब आदमी जिनके घर चक्की नहीं ना, सरकार दे दे पीसीओ दे अपना फ्री खाना उनके जोर पड़ रहा है। एमएलए बन गया था, सेवा तल के ही कर रहे आप लोग, क्यों कर गए नहीं? हम भी गेले लिए जो ड्राइवर सेवा करा वोट दे देंगे भाई, बड़ा गरीब गुरबा की जिस शांति में बहुत ज्यादा मदद करता है, अगर पैसे देने के बस भी चला रखी है लड़कियों के लिए। एक पीछे हमने सुना था पीछे कितने संभाल गया कौन बन रहा है चक्कर चक्कर, वो नहीं बनया था सेवा करी थी उन्हें, नहीं कौन सा बनया था, एक पीछे बनया था यो इस निर्दलीय थे, उन्हें बहुत सेवा करी थी लोगों की, लंगड़े लुल्ले जो बनेगा सेवादार बनेगा भाई, उनको ना बने निर्दलीय, हाँ निर्दलीय जो बनेगा वो सेवादार बनेगा, बेघर लंगड़े लुल्ले उनकी सबकी सेवा कर रहा है, खाते पीते की तो आम आदमी करे भाई, फलाना आदमी है ये तो लंगड़े लुल्ले की सेवा कर रहा है, और जो न्यू चलेगा इपटा रहा है इस एरिया में सोनीपत में बस चला रखी, फिर दिल्ली था बम्बे था चला रहा है लड़कियों के लिए फ्री बस, मेहनती लड़का है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहन आंतिल है भाई। अच्छा जी, कौन सा गाँव है जी? मेरा खेवड़ा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी? जय भगवान आंतिल के बारे में मैं क्या कहूँगा, इधर सब कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? एकदम सोशल लड़का है, हमारा छोटा भाई है, क्रांतिकारी विचार है, हल्के में कुछ करने की तमन्ना है, और जिसकी हल्के में कुछ करने की तमन्ना हो, क्रांतिकारी विचार हो, दुख सुख का साथी हो और सोशल आदमी हो, जो सबके दुख सुख में जो बैठा रहे, दुख सुख में जो खड़ा रहे, और सब की सुविधा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाता हो, तो हमने तो ऐसा एक अपने में से क्रांतिकारी नेता चाहिए था, वो हमारे साथ मिल गया, हमारा छोटा भाई। तो जैसा हमारा हल्का आज्ञा देगा वैसे हम इसके साथ हैं। के समीकरण बनेंगे तो समीकरण है, हल्का इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, हाँ हल्का इलेक्शन लड़ेगा इस बार, न कि कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा,
ये क्योंकि हम गांव 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 जा जा के और जब लोगों से बात करते हैं ना, लोगों को घना दर्द है और जब वो दर्द सुने ना तो ये बाकी इनको जरूरत ना थी इलेक्शन लड़ने की, नेता बनने की, लेकिन हल्के का दर्द जब आया हर साइड का महसूस हुआ, दिल में ठेस पहुंची, तब फैसला लिया है। और हर गांव में जब भी जा रहे हैं, हर गांव में इसका ग्राफ बढ़ता 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 बहुत आगे बढ़ गया है। और भाई नए पुराना की मैं बात नहीं करता, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं और बाकी इनके जो किस्मत है भाई, जो इनकी किस्मत में आगे राज लिखा है या इन बड़ों बुड्ढों की सेवाएं लिखी है या किसी के भाई दुख सुख, भाई जित रास्ते खराब हैं, मंदिर है, पानी है, गाड़ियां हैं लड़कियों के लिए, भाई फोगिंग मशीन है, चक्की है जिसमें भाई आटा और धान है, जो भी इनसे बन रहा है पानी की, क्या एक गांव मिलके एक टंकी पानी की नहीं लगा सकता? लेकिन नहीं लगा पाए, न सरकार लगा पाई, न कोई और लगा पाया। इन ने फैसला लिया, सब बड़े बुजुर्गों से पूछा, इन्होंने कह दिया बेटा तू खुल के चल, हम तेरे साथ हैं। तो आगे भी हम इसके साथ हैं। अगर ये ऐसे ही पूछ के हमारे से, बुजुर्गों से, हर गांव से उसकी समस्या हल करने के लिए अगर आगे आता है, तो हम सब पूरा हल्का, पूरे हल्के का एक परिवार हम इसके साथ है। जय हिंद, जय हरियाणा। के नाम है? मेरा विजेंद्र जी। कौन सा गांव है? खेवड़ा गांव है जी। अच्छा, के कहना चाहोगे जी? युवा प्रधान जी बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज सेवा बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रधान जी साथ हैं। युवाओं का किस तरह? युवाओं का बढ़िया रुझान है, सही प्रधान जी का वो होगा, साथ में लगा युवाओं का।